Clean, <laughs> तो नहीं कर सकते आप कोई एक दो बिजनेस जहाँ पे इन्वेस्ट किया हो कोई बिजनेस यू रन मतलब मराई है पैसे डालने के लिए थोड़ी ना बात कर लेता हूँ पॉडकास्ट देखते हो पॉडकास्ट अभी यहीं पिच मार देता हूँ मतलब बिंदा अपने एलिमेंट में अपने जोन में कुछ सीख रहा है उससे पहले ना मुझे कुछ दिखाना है ये देखो स्क्रीन ये 2018 का है पाँच साल लग गए हमें बट आज वो हमारा सपना पूरा हो गया आज बादशाह हमारे पॉडकास्ट पे आ गए सो आज इस ना टेल यू कि ये पॉडकास्ट देखो ना देखो ये बात मान लो कि अगर तुम सपने देखते हो ना और उनको पूरा करने की अगर तुम्हें दम है तो तुम काम करते जाओ वो पूरे पक्का होंगे आज का एपिसोड बहुत क्लोज है इसमें हमने बहुत सारी बातें करी है हमने बात करी उनकी बहुत ही फेमस चीज़ के बारे में दैट इज़ माफिया मुंडीर कि माफिया मुंडीर में हुआ क्या था ये बना कैसे वो क्यों छोड़ के चले गए उसके बाद उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया उनकी क्या एडवाइस है यंग स्टार्टअप फ़ाउंडर्स के लिए जो ब्रांड बनाना चाहते हैं और यंग हिपॉपर्स के लिए या रैपर्स के लिए जो अपने आप को एक हिप हॉप स्टार जैसे देखना चाहते हैं आज का एपिसोड है अबाउट बिजनेस स्टार्टअप ड्रीम्स इंस्पिरेशन ब्रांड बिल्डिंग कैसे तुम इंडिया में सबसे बड़े बन जाओ और कि बादशाह पैसे कितने कमाते हैं कहाँ कहाँ पे वो पैसे को लगाते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने अपने पैसे डुबाए और उनसे क्या लेसन उन्होंने सीखे प्लीज इंजॉय टूडे शो विथ इट्स योर बॉय बादशाह शुरू कर देते हैं हाँ। ताकि मुझे मैं बाद में वेलकम कर बट थैंक यू सो मच फॉर much आपने बोला आपकी स्टोरी कहीं बाहर नहीं है तो आज आपकी स्टोरी से स्टार्ट करते <laughs> 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 yeah. हैं कोई वैसे टाइम बताता हूँ फर्स्ट टाइम मैंने आई एम मेट यू बट यू डोंट रिमेम्बर ओ एंड आई टेल यू मिले <था। laughs> तो हम लोग थे बॉम्बे से मुंबई से जा रहे थे हम फ्लाइट में ओके okay. और जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहे थे किस और स, गेस्ट कौन था मैटर वो करता है जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहे थे तो आपने एक पॉडकास्ट चला रखा था जो रोगन का पॉडकास्ट था आर राइट नेक्स्ट मी मैं सोचा था कि यार और मास्क पहन के बैठे तो पूरी फ्लाइट में एक बंदा मास्क पहन के बैठे उनका नाम आदित्य सिंह है <laughs> <laughs> हाँ, so वो मीट एंड वाले लेने आते हैं ना तो आदित्य सिंह करके वो लेने आए थे हाँ, तो like, okay, sure हाँ, हाँ, uh, बैठे थे मैंने सोचा की बात कर लेता हूँ पॉडकास्ट देखते हो पॉडकास्ट अभी यहीं पिच मार देता हूँ नहीं यार

कि चल क्या रहा है तो एक आर्टिस्ट आई थिंक हमेशा ही अपने जोन में होता है वो कभी भी कुछ वो कुछ भी ना कर रहा हो तब भी कुछ भी कुछ कर रहा होता है हाँ कुछ कर रहा होता है वो तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं अब आपकी फर्स्ट स्टोरी से ये मुझे तो बादशाह नाम कैसे आया <laughs> बादशाह यार शाहरुख सर से मैं बहुत इंस्पायर्ड था बहुत ज़्यादा और तो मतलब एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने अपना नाम बादशाह रखा आ, और मतलब थोड़ा ऑड भी लगता था कि आदित्य से बादशाह फिर जाके मैंने कजन्स को बताया कि मैं सोच रहा हूँ बादशाह रख लू पहले कूल cool इक्वल था क्या था कूल इक्वल ओके रैपिंग नेम था जब मैं अंग्रेजी में करता फिर जब मैंने बादशाह रखा फिर मैंने कजन्स को बताया वो हंसे डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर जब वो हंसे तो मुझे लगा कि यही रखना चाहिए क्योंकि लोग हंस रहे हैं हाँ क्योंकि लोग हंस रहे हैं इट इज गेटिंग देम टू टॉक तो या yeah, भले लोग बात करें बस बात करनी चाहिए इग्नोर मत करो करो नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहेगा बात करने बात करनी चाहिए कुछ ऐसा ऐसा कि नहीं नहीं भी है बट अगर आपको विश्वास है ना उस चीज़ पे तो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि वो हंस रहे हैं क्या कर रहे हैं बट आपको उस चीज पे विश्वास होना जरूरी है मतलब आप वो चीज इसलिए ना करो कि उनको हंसा रही है आपको अगर उस पर विश्वास है तो मैटर नहीं करता कि क्या रिएक्शन है इंटरेस्टिंग सो

तो उन्होंने बुलाया कि मुझे याद है मेरे साथ मेरे मैनेजर से कहते तुम्हें सर बुला रहे हैं कौन सर शाहरुख सर बुला शाहरुख सर बुला रहे हैं तो मैं गया वहाँ सलमान सर भी थे और बस कुछ नहीं वो खड़े हो के आपस में बातें कर रहे मैं उनको खड़े होकर देख रहा फिर वो खाना लगा हुआ था वहीं पर फिर मुझे याद है उन्होंने अपने हाथों से बिरयानी खिलाई मुझे बिरयानी खा और बस वो बातें कर रहे हैं और बीच बीच में वो एनेक्डोट्स आपस में सुना रहे और मैं सुन रहा था वो फिर मेरा जाने का टाइम हो गया फिर मैं निकल गया वहाँ से दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग यू नो हैव यू नोटिस्ड ऐसा कि जब लोग पर्सनली किसी को जान लेते हैं या मिल लेते हैं

पाजी भी बुलाते हैं पाजी वो बुलाते हैं जो नए नए मिले होते हैं ये सोच के कि पंजाब से तो पाजी बुलाते हैं जैसे बहुत सारे पैप्स मिल जाते हैं तो पाजी बुलाते हैं okay. बट जो जानने लग जाते हैं वो भैया बुलाते हैं भैया आई थिंक मेरी नेचर में ही है मैं बड़ा भैया बन जाता हूँ शायद उनका कुछ है समथिंग लाइक दिस पीपल टॉक अबाउट आई थिंक मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ बहुत मुझे ऐसा लगता है वंस दे आर इन माई सर्कल मेरे सर्कल में नहीं है तो मैं मैं बहुत मतलब ही है नहीं मतलब ही नहीं मैं बहुत कोल्ड हूँ मतलब मैं आई आई माइट कम अक्रॉस एज एरोगेंट इधर बात ही नहीं करता बट मैं बहुत मैं आई डोंट नो मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं पार्टीज में इसलिए नहीं जाता मुझे पता नहीं मैं बात क्या करूँगा बट अगर एक बार ही मेरी उसमें सर्कल में आ गए तुम फिर तो तुम परिवार हो मतलब परिवार एज ए लाइक आई आल मेक श्योर की कम्फर्टेबल तो देन कंपटीशन जैसा नहीं लगता कि दूसरे रैपर्स अगर हैं या दूसरे म्यूजिशियंस हैं तो कंपटीशन होंगे तो क्या वो कंपटीशन है तो बट यू स्टिल ट्रीट देम एज योर यंगर ब्रदर 100% लाइक like, अब कंपटीशन तो रहेगा ही मतलब कोबे और शैक एक ही टीम में थे फिल hmm. जैक्सन जब कोच थे एलए LA लेकर्स hmm. टीम तो एक ही थी ना लेकिन एक कंपटीशन रहता था और कंपटीशन ब्रीड्स चैंपियंस कॉम्पिट हम स्कूल क्यों जाते हैं कंपटीशन तो चाहिए ना कंपटीशन से ही आप बेटर हो गए सोचो अगर आज तक मारुति होती हम मर्सिडीज देख ही ना पाते तो मर्सिडीज तक जाने के लिए कंपटीशन तो पर ऐसे होता है ना मारुति और मर्सिडीज में हमेशा कट थ्रोट कंपटीशन है हेल्प नहीं करते ज्यादा एक दूसरे की मर्सिडीज सेलर <laughs> अब अभी से चलो कॉम्पिटिशन दूसरा वर्से डी सेलर वर्सेज और डी सेलर वो दोनों आपस में काफ़ी कम्पीट करेंगे लड़ते ही रहेंगे हुँ. एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे यार मेरी स्ट्रैटेजी इसको नहीं पता चलता है एन यूस है कि आपके सर्कल वालों की काफ़ी हेल्प करते हो यार मैं ना मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सिक्योर बंदा हूँ आर्टिस्ट बोलने वाला था लेकिन मैं इन, बहुत सिक्योर बंदा हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है यार मेरी स्टोरी तो मेरी रहेगी मतलब अगर कल को तुम रैपर बनते हो और मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे देता हूँ लेकिन जो मेरे साथ हो रहे हो वो तो मेरे साथ ही हो रहा है ना बादशाह का डीएनए तो बादशाह का ही रहेगा चलो तो और मैं वही सुनाता हूँ मतलब चाहे मैं अगर किसी लड़की के बारे में भी गा रहा हूँ वो मैं अपने परसपेक्टिव से बता रहा हूँ आप भी अगर एक लड़की के बारे में गा रहे हो आप भी एक क्लब सॉन्ग बना रहे हो आप अपने परसपेक्टिव से बताओ बताओगे लेकिन अगर आप मेरे परसपेक्टिव से बताने लग जाओगे तो ऑडियंस पहचान जाएगी अरे ये तो बादशाह की नकल कर रहा है तो मेरा परस्पेक्टिव मेरा परसपेक्टिव है मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ है मेरे पास जो है वो मेरे पास है और भोले ने जो मेरे को देना है वो मेरे को ही देना है वो किसी और को नहीं दे सकता और जो मुझे नहीं मिलना वो मुझे मिलेगा ही नहीं तो ये इस चीज़ की समझ मुझे लग गई है काफी टाइम से तो तब से मैं बहुत बहुत ही सिक्योर हो गया सिक्योर और बहुत काफ़ी टाइम से क्या मतलब मुझे शुरू से ही लगता था कि जो मेरे को मिलना है वो मेरे को मिलना है हुँ... तो तब से मेरे को कोई इसमें और मेरा फर्ज बनता है आई थिंक कि औरों को बताना कि भाई ये मत कर ये कर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है क्यों मतलब मुझे मतलब मुझे बहुत छोटी छोटी हारें लगती हैं जो लोग करते हैं ना नहीं नहीं स्ट्रैटेजी नहीं पता नहीं, नहीं क्या नहीं क्या तूने ऐसा उखाड़ा क्या है लाइफ में जो तू बताएगा नहीं उस बंदे को क्या उखाड़ लिया तूने कोई कोक का फार्मूला तो नहीं बनाया अगर बन भी गया तो दे दे तो तेरी किस्मत में जो होगा वो तेरे पास होगा उसकी किस्मत में जो होगा उसको मिलेगा बहुत सिंपल है ये let's let's talk about this puss this this side of you more hmm. where because I've got this feedback from a lot of people और मैंने बहुत लोगों से बात करी आपके बारे में कि दो चीजें बहुत stand out गई मैं सबसे पूछ रहा था कि apart from music बात शब्द भैया जो सब बोलते हैं तो मेरे से क्या है different that you actually uh, that makes him different Right? Hmm. A lot of people have spoken to I don't want to pinpoint anybody hmm. but दो चीजें बहुत stand out गई एक कि आप बहुत बढ़िया बिजनेस मैन हो आपको समझ में आता है धंधा आपको समझ में आता है बिजनेस आप बनाते हो चीजें दैट इज वन आई डोंट नो हाउ ट्रू अ बैड इट इज रॉन्ग इट इज यू टेल मी वील गो डीपर ऑन दैट एंड देन सेकेंड इज कि आपको ग्रुप बनाने में बहुत मजा आता है कि आप अपने साथ जो फैमिली वाला बात बोलिए आप नर्चर बहुत करते हो ग्रुप hmm. okay, नहीं लव hmm. like की मेरे साथ लोग आ जाए जुड़ते जाए मैं सबको हेल्प करते जाऊँगा आज हम साथ में बड़ा बनाएंगे यू डोंव यू फील वेरी अबांडेंट कि मेरे साथ ये मत करो मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा गया था यूनाइटेड hmm. नेशन uh, में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था मैं hmm. तो फर्स्ट टाइम मैं एक टेबल हूं पे बैठा हूँ जहाँ पे पंद्रह बीस लोग बैठे हैं दूसरे, दूसरे दूसरे देशों से मेरे पास में एक जर्मनी की लड़की बैठी थी

फैमिली family? Family, मेरी से तो मेरे मम्मी ऐसे हैं मतलब मेरे जो मैं हूं ना मैं एग्जैक्टली exactly, मैं प्रॉपर मिक्सचर हूँ अपने पापा और अपने मम्मी का मतलब मेरी मम्मी ने आई थिंक मुझे बहुत एम्पावर किया है कि मतलब मेरी मम्मी कहती थी अगर तूने मोची भी बनना है ना तो टॉप का मोची बनना है मतलब ये कहती थी मतलब बट वो एट द सेम टाइम ऐसे थी कि जैसे मैं अपने दोस्तों के घर जाता था उनके दो दो सब्जियां बनी होती थी और दाल बनी होती रायता बना होता सलाद बना होता था मेरे घर बनी हुई है लौकी बनी हुई है तो मैं कहता मैं नहीं खाऊंगा रोटी तो मम्मी कहती मत खा कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो मेरे मेरे बच्चे तुझे क्या खाने ना तूने जब भूख लगी अपने आप खा लेगा सो आई थिंक वैसी नर्चरिंग ऐसा नहीं है मतलब लेकिन आई थिंक जो मुझे उनसे मिला है वो अतुल्य है मुझे नहीं लगता कहीं और से अब मुझे रियलाइज़ होता है बट सी बिजनेस मैन मैं बहुत अच्छा बिजनेस मैन लोगों को लगता है लेकिन मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं मतलब ये किसी को पता नहीं होता लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखती है बट मैंने बहुत पैसे मिट्टी किए हुए हैं और बहुत जगह मैंने हार डाले को ये नहीं पता कि मेरे में ना लेकिन ये था कि मेरे को बिजनेस करने में मजा बहुत आता है इट अ किक इट्स नॉट इवन अबाउट मनी मनी इज मनी एक वो है रिसोर्स है या बाय प्रोडक्ट है इट्स इट्स अबाउट कॉन्करिंग थिंग्स आफ्टर थिंग्स यू नो मतलब जैसे मैंने बहुत छोटा था मुझे एग्जैक्टली exactly आती मैंने कॉमिक्स बेचनी शुरू करती थी uh, मैंने दवाइयाँ बेची हैं, मैंने टीवी चैनल रन किए हैं नेशनल

आपको अच्छा मार्केटर बना सकता है लेकिन पैशन आपको ऐसी जगह भी ले जा सकते जहाँ मतलब जहाँ तुक नहीं है <laughs> तो ये टी वी चैनल था एक मैंने फिल्म बनाई थी पंजाबी फिल्म बनाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इट वॉज अ फिल्म एक प्ले पे थी मुझे प्ले नहीं याद बहुत सही प्ले प्ले था प्ले का नाम था रिफंड okay. उसमें क्या होता है कि बंदा पढ़ाई करता है फुल पढ़ाई करता है तो उसको जॉब नहीं मिलती तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम पे केस कर देता है कि मेरी पूरी एजुकेशन के पैसे वापस करो ओ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था nice. मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम से बहुत आगे थी पंजाबी सिनेमा के लिए तो वो एक बहुत बड़ा बट आई मेड इट आउट ऑफ पैशन कि यार पंजाबी सिनेमा में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं राइट ये मेरे टॉप टू फेलियर्स थे आई थिंक जो, जो कितने जो, पैसे डुबाए किसी एक, एक मत पूछो किसी एक में बता दो दोनों में से नहीं चैनल में काफ़ी डूब गए नौ दस करोड़ रुपए

और मतलब यू शुड फील लेस ऑफ योर सेल्स आपको अपने बारे में छोटा सोचने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट आप बड़े हो उनसे आप वाकई में बहुत बड़े हो विद ऑल यू रिस्पेक्ट अमेरिका की क्वजीन बर्गर है yeah. <laughs> <laughs> तो उनकी पी आर बहुत सही है कल्चर ऑफ टाइम मैटर ऑफ आई आई थिंक थिंक बट वो डी वन से उनका वो भी था कि गवर्नमेंट एजेंडा भी ये था कि हम कल्चर इतना स्प्रेड कर दें हर जगह उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया उस चीज के पीछे इंडिया में अब स्टार्ट हुआ है ये अब हम सेलिब्रेट करने लगे हमारा कल्चर की योगा डे बना रहे हैं दिवाली छुट्टी कर रहे हैं फुल पॉइंट्स उसके लिए फुल पॉइंट्स आई थिंक एक अंदर जज्बा होना बहुत जरूरी है बहुत टाइम तक ना हम ऐसे ऐस मतलब ये सर। हमारा बॉडी लैंग्वेज रहा है बहुत टाइम तक तो बॉडी लैंग्वेज चेंज करना बहुत जरूरी है ऐसा है। आ, है। क्या, है? क्या है? कुछ दिस <laughs> uh, दिन न्यूयॉर्क विल बी एज नॉर्मल एंड यू नो इट्स मैटर ऑफ टाइम आई लव दैट दिस जनरेशन नोज कि हम फाड़ देंगे ओ oh यस yes. और अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है ये तो डेकेड हमारा है हाँ, इसमें हाँ, इसमें दो तीन चीज अभी मैं कल बात कर रहा था जिससे कि, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन चार चीज साथ में हो रही है अपने इधर जिसकी वजह से कल्चरल डोमिनेंस बन सकता है एक ग्लोबली पूरा पैसा हमारे पास आ रहा है बिकॉज कोई और कंट्री नहीं है जहाँ पे इतनी तेज ग्रोथ हो रही है जैसे हमारे तो देर इज नो अदर कंट्री कि लोग पैसा लगाना चाहते हैं चाइना और इंडिया में लगाना चाहते हैं और चाइना

ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट पैंडमिका सीन आया जहाँ पे इंडिपेंडेंटली लोग दूसरे को बड़ा मानने लगे विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिग इंडस्ट्री हेल्पिंग यू आउटली राइट लाइक पहले ऐसा होता था कि जो बॉलीवुड में एक्सवाइज एक बड़ा डायरेक्टर है वो बोलेगा ये तुम्हारा नया स्टार्म hmm.

मैं उस कूल ऑफ थाट से हूं कि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप ये कर क्यों रहे हो लाइक यू नीड टू नो वाई मतलब रैपर क्यों बनना है कूल है इसलिए बनना है तो मत बनो बहुत चीजें कूल हैं वो आप कर लो मतलब रैपर मत बनो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो कूल लगे वो मत करो जो आपका सच्चे में मन हो वो करो आप कूल बन जाओगे खुद वो nice. वो हो ही जाएगा मतलब इफ यू फॉलो योर पैशन शांतनु हजारे

हा हाँ, मतलब आप किसी की भी फाड़ सकते हो किसी हाँ, को भी आप शेक कर सकते हो yes. बहुत डेमोक्रेटिक है आप एक रील डाल दोन हाँ देर इज नो गोल सो यू नीड टू स्टडी डिफरेंट आर्टिस्ट यू नीड टू स्टडी जैसे मैं स्टडी मैं क्या मैंने सुना जिनसे सुना उन्हीं को स्टडी किया फ़ॉर एग्जांपल मैंने जेजी बहुत सुना है, मैंने एम सुना एम सुनाया बट आई रिलेटेड टू जेजी और अ ड्रेक और अ काने वेस्ट मोर बिकॉज ड्रेक वॉज टॉकिंग अबाउट फकट अप लाइफ मेस्ट अप लाइफ जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरी रही है जेजी वॉज टॉकिंग अबाउट एमपावरमेंट एंड बिजनेस जिसकी तरफ मेरा रुझान बहुत था काना वॉज ऑल्सो इन द सेम टर्म्स एम एन एम एन एम वॉज टाक अबाउट डिशेल्ड फैमिली जो कि मेरी नहीं थी मेरी फैमिली बहुत टू पार्क से भी मैं रिलेट नहीं कर पाया बिकॉज यूज टू गैंगस्टर फॉर मी बट तो मैंने इनको सुना लिल्व एन को सुना बिकॉज ऑफ हिज वर्ड प्ले तो इन सब को सुन के आई थिंक टू फॉर्म स्ट्रक्चर वर्ड प्ले कैसे होता है मेटोफर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे आप बोरिंग होना शुरू हो रहे हो वहाँ पर आपको मीटर कैसे चेंज करना है हाउ टू कीप दडियंस एंड टाइस्ड आई थिंक यू लर्न हाँ बट अब जैसे कृष्णा का एक कोर्स था फ्रंट रो पे आई डोंट नो हाउ हेल्पफुल इट वाज, बट वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू एजुकेट पीपल अबाउट रैप यूट्यूब पे बहुत एजुकेशनल वीडियो इज यूट्यूब इज द यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मी यूट्यूब से मैंने म्यूजिक बनाना यूट्यूब पे सीखा हैसे है. hmm. सब कुछ सब मैंने यूट्यूब से सीखा है और

यू नो देर इज थिंग विच आई यूजअली से कि जहाँ पे आर्टिस्ट के आर्ट से बड़ा आर्टिस्ट खुद हो जाता है राइट देर आर सीन्स जहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एम सी स्टैन रिसेंटली ही अप तो ही बिकेम वे बिगर देन इज आर्ट एटलीस्ट फॉर अ वाइल कि जब तक वो बिग बॉस में था बिग mm. बॉस से बाहर आया वो हुआ दैन देर इज एम वे ही इज़ वेरी फेमस फॉर वट ही डूट वट ही डज आउटसाइड मोर देन दी आर्ट राइट लाइक दरअ कप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सो वॉट इज योर व्यू ऑन दिस की डू थिंक दै दिस पीपल विल लास्ट लॉन्गर और क्या सीन होता है इनका यार देखो चुप ये सारी जगह है आजकल के टाइम में ना मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा है <laughs> सीन है hmm. इसका um, कैसे बताऊँ एम सी स्टैंड ठीक है एम सी स्टैंड एज अ पर्सनैलिटी हैज बिकम रियली बेग ठीक है आज के टाइम में ना लोग आपकी पर्सनैलिटी में अगर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी, भी, like, भी, भी चलेगा को सीखना भी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिलजी पा जी हैं हीज बिन एबल टू इस्टिश अलिटी फॉर हिमसेल्फ लाइक यू नो हिज दिस दिस कल्चर हुज हेप बट हुज़ ऑल्सो हैप्पी हु किस यू पॉजिटिव मतलब मेल हानि मेरे हो <laughs> मतलब कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो बाकी बुरा हाने बट <laughs> मुझे ऐसा लगता है यू नो ही ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस है ना तो वो एक पर्सनैलिटी है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वो फिर उनका गाना आप कंज्यूम mm. कर रहे हो वो इट्स अ प्रोडक्ट दैट यू कंज्यूम बट एज लॉन् थोड़े टाइम तक होगा गाना अगर अच्छा नहीं होगा तो खत्म हो uh, जाएगी चीज तो ये अच्छी चीज है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है आप, आप एक ब्रांड बन रहे हो आप एक ब्रांड बन गए बट देन रेस्ट इन पीस सिद्धू वाला ही इज अ ब्रांड बट ही हीज वन ऑफ द्रांड हु ओनली स्टैंड इज अ ब्रांड बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिक राइट किसी और चीज की वजह से वो ब्रांड नहीं है सिद्धू मूसे वाला ब्रांड क्यों है वही म्यूजिक है उसका अनिवर्स ब्रांड क्यों है फैशन तो धीरे-धीरे उनका म्यूजिक कंज्यूम करना बंद कर दिया लोगों ने बट फैशन उनका आज भी खरीदते हैं सिद्धू मूसे वाला वाज ओनली बिकॉज़ ऑफ हिज म्यूजिक तो उनका म्यूजिक जब तक आता रहेगा तब तक चलता रहेगा राइट सो मुझ मैं मेरा सजेशन ये है कि बी अबाउट योर वर्क प्राइमली योर इंजन आप अगर इस इंडस्ट्री में गाने गाने के लिए आए हो ना तो गाने पे ही रहो जैसे ट्रैक

क्या था माफिया मंदिर मेरे को समझाओगे कि क्या था क्यों था कैसे था कुछ नहीं यार जब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उन मतलब ऐसा लगता है कि जब एक अकेला होता है ना उसकी फटती है जब एक से ज्यादा हो जाते हैं ना उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हुँ. राइट तो वही था हमें लगता था हम कुछ भी कर सकते और हमने कुछ भी किया है <laughs> कौन 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 का देहात थे <laughs> मैं तो मैं जब था तो मैं हनी और uh, मैं हनी भाई मैं हम दोनों ही थे प्रमेरिली फिर मैं मेरा और मैं टू 2009 में हाँ 2009 में मेरा और हनी के बीच में ब्रेक आ गया थोड़ा मैं जॉब करता था तो मेरे को मेरी फटने लग गई वहाँ पे और एकदम से हनी भी मेरे रडार से गायब हो गया मैं फ़ोन करता फ़ोन नहीं उठा रहा था तो एंड द पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली व्हेन ही मेट हाँ प्रॉब्लम नहीं तभी वो रफ्तार इक्का और गोलू से मिले तो जब तक हम माफिया मुनीर में थे हम एक दूसरे से नहीं मिले थे हाँ तो मतलब हमें हमें मिलने ही नहीं गया दिया गया कभी मुझे मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलने दिया गया हालांकि हम मिलते तो शायद माहौल अलग होता बट ओरिजिनली आई थिंक उज मी गोलू हनी रफ्तार एंड इक्का फिर उसके बाद अल्फाज ये बाद में आए मतलब कोर ये थे जो माफिया मोड़ी थे तो उससे गाने निकाले साथ में आप लोगों ने कुछ गाने बस बनाए रिलीज नहीं किए <laughs> क्यों बनाते रहे बनाते रहे सो दैट्स द पॉइंट ना सो हनी वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज करियर सिर्फ अपने करियर पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे आई थिंक <laughs> सब सब देख रहे थे कि यार हमारे भी गाने और मैं 2006 से जुड़ा हुआ था hmm. और 2009 हो गया था और मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि भाई तेरा क्या बन रहा है क्या नहीं कर बन रहा तू म्यूज़िक म्यूजिक म्यूजिक यार मतलब 2011 में मेरा पहला गाना आया था हनी के साथ गेटअप जवानी पाँच साल उनके साथ रहने के बाद तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और ये वो चीज़ है ना ये ना धीरे 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 करके बड़ी होती है मतलब ये कोई ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे चाकू मार दिया और तुम्हें मुझसे गुस्सा आ गया ये धीरे 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 करके इतनी बड़ी हो जाती है कि सारी अच्छी चीज़ें भी ओवरशेड हो जाती हैं Hmm. तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा क्या तुमने अपना सब कुछ दिया बट उन पांच साल में मैंने अपना होमवर्क किया जब मैं होमवर्क कहता तो हूँ ना उस पांच साल में तैयार हुआ कि उस वो जो विजन आई ना कि अगले बीस साल की उन पांच साल में बैठ के कि साला आप जब आऊंगा ना तो मैं जाऊंगा नहीं मैं मैंने नहीं जाना कहीं मैं तो सब लेके जाऊंगा okay, ले हाँ और कोई आए ना आए हाथ पैर हैं दिमाग है इतना इंटेलिजेंट हूँ तो सब लेके जाऊंगा कर दूंगा ये तब आया था रीजन फॉर सेपरेशन कि अलग होने का रीजन मेन ये था कि यार जो हम लिख रहे हैं जो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा निकल ही नहीं रहे हैं बाहर हाँ यार मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं है ना एंड ठीक है आप अपना करियर बना रहे हो आप हमारे बारे में भी तो सोचो हम अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं आप इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते लाइफ में आप एक तरफ हमें भाई कहते हो पूरा भाई पूरा मतलब भाई मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए साथ के साथ घर के नीचे गाड़ी लगा ली भाई ये वो फलाना फलाना और आपको ये दिख नहीं रहा कि कि क्या पेन है एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पेन क्या होता है भाई उसका काम ही बाहर आ जाए यही होता है हु, काम बाहर तो आए बाद में क्या होगा देखी जाएगी सुने तो सही दुनिया ने मैंने बनाया क्या है वही नहीं हो रहा और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं जो मतलब खाली खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं हमें पता भी नहीं चलो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू गेट इनटू बट इट वाज़ अ वेरी बैड फेज वेरी बैड फेज बट अब इस उम्र में पता चलता है कि हर बैड फेज आपको बहुत चीज़ें सिखाता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं और सब अब देखो मतलब सब अच्छा कर रहे हैं yeah. सब

एज एन आर्टिस्ट एक होगा ब्रांड डील एक होगी स्पॉन्सरशिप से होगी दो तीन बिजनेस होंगे इज़ या, मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट मुझे पैसा कमा के देते हैं जब वो ड्रैगन फ्लाई में परफॉर्म कर रहे हैं पैसा मेरे पास।

ब्रांडील से बहुत पैसा आता है बट दैट हैज ग्रोन बिकॉज आई बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर टेन ईयर म्यूजिक जिससे आता है मतलब हम जो म्यूजिक बॉलीवुड को देते हैं या म्यूजिक से जो रॉयल्टीज आती हैं मेजर चंक ऑफ मनी इज वैन टू म्यूजिक बिजनेस

और भी है सो लाइक

फिर बॉलीवुड है फिर आ, सबसे छोटा क्या होगा रॉयल्टीज रॉयल्टीज भी मैं ध्यान नहीं दे रहा तो आई थिंक वाओ स्मॉलेस्ट फॉर यू आई बी ऑनेस्ट विद यू मैं बहुत स्टूपिड हूँ मैंने अभी परसों ही आप उनसे पूछ लेना मैंने उनसे परसों ही बोला मैं मेरी रॉयल्टीज़ कहाँ हैं कौन कलेक्ट कर रहा है क्योंकि पैसा आ रहा था कंफर्टेबल था सो so अभी नई मैनेजमेंट हर चीज़ का ध्यान रख रही है तो फिर वो हो रहा है बट दैट्स वेरी स्टूपड ऑफ मी मतलब दिस इज वन थिंग दैट आई डोंट आई वॉन्ट न्यूअर पीपल न्यूअर आर्टिस्ट टू बी अवेयर ऑफ देयर रॉयल्टीज देर यू नीड टू गेट प्रॉपर लॉयर्स जिस भी कैमरे में आपको एक लॉयर चाहिए आपको मैनेजमेंट चाहिए प्रॉपर आपको एक लॉ लॉयर चाहिए जिसको आपके राइट्स का पता हो जिसको पता हो कि आप कहाँ कहाँ से म्यूजिक में पैसे बना सकते हो जो कि एनल ना हो लेकिन अवेयर हो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए जो कि आपको बर्नआउट होने से रोके आपको प्रिजर्व करे यू नो एज़ अ टैलेंट प्रिजर्व करे ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड यू यू आपको खुद भी मुझे बोलते तो अच्छा नहीं लगता बट आपको खुद भी अवेयर होना चाहिए कि आप के पैसे कहाँ जा रहे हैं और कैसे खर्चा हो रहा है बिकॉज एक स्टेज पर आप आते हो जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है

<coughs> मेरी कहानी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी ब, बन जाएगी एग्जैक्टली exactly. मैं <laughs> मैं नहीं बताऊंगा वो कोई ना कोई पैसे दे देगा उसके वो हो जाएगा और मुझे कोई ये नहीं है कि आई डोंट क्रेव फॉर लव आई डोंट क्रेव फॉर सिंपथी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब नैचुरल है ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं आप शुरू में अंडरडॉग होते हो फिर लोग आपको बहुत प्यार करते हैं फिर आप एकदम से बहुत बड़े बन जाते हो फिर hmm. लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं फिर हेट करते रहते हैं हेट करते रहते हैं फिर एक टाइम आता है जब आप सबके पार चले जाते हो फिर आप लेजेंड बन जाते हो hmm. सिद्धू मूसे वाला लेजेंड है so, सिद्धू मूसे वाला लेजेंड है वे ही डिड इट द वे ही डिड इट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एंड वट यू लव द मोस्ट अबाउट हिम द फैक्ट दैट ही वॉन्टेड टू स्टे इन हिज इन हिज विलेज मतलब लोग मुझे लगता तो है बहुत छोटी बात है बट आई शेयर द सेम सेंटिमेंट मैं नहीं रह सकता बॉम्बे मुझे अपने घर पे ही रहना है द फैक्ट देट ही पेड़ होता है वो इतना फैला हुआ है सिद्धू मूसेवाला उनका जो इम्पैक्ट है इट्स अनडिनाइबल मतलब हम बात भी नहीं मतलब हर कोई सुनता है उनको

चाहे कोई भी हो सृष्टि हो कोई भी हो पूरा हासिल मुझे पसंद है मतलब क्योंकि मैं। hmm. rate, me, कि चलो हासिल दो तीन है जो आपको लगता है कि यार ये देखो फटने वाले हैं right जैसे यू साइड कि आपका एक मोमेंट था जो किंग का सुना गोरला बाउंस के बारे में बट वो मेरा जोन है ना बिल्कुल हाँ. बिल्कुल ही मेरा वाला जोन था कमर्शियल भी था हाँ यार अब एकदम से ऐसे कोई है कि जिसको देख यार ये है यार हैं हैं मैं उनके बारे में बात सीधे बहुत बहुत कंसिस्टेंट है इट्स इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम उनकी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है बड़े हो जाएंगे बड़े हो जा होना चाहिए उनको होना चाहिए hmm, कुछ मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन मैं सुनता हूँ जो जो मुझे एक्साइट करते हैं यशराज करके एक लड़का है यू you नो know, यशराज यस yes. हाँ Yes. यशराज है वो मुझे एक्साइट करता है आ, आ, एक चार दीवारी करके नहीं आ, वो थोड़ा डार्क है बहुत वो वो कैसे चीजें कर रहा है वो मुझे बहुत एक्साइट करता है यशराज में मुझे लगता है अब मैं बस मैं वेट कर रहा हूँ क्या मूव्स करेंगे <laughs> <laughs> तो फिर देखेंगे <laughs> कि कहाँ जाते हैं यशराज आई गॉट एक्साइटेड क्योंकि यशराज को मैं फॉलो करता हूँ जब यशराज के पंद्रह सौ फॉलोअर्स थे

ऐसा लगता है ना कभी कभी ऑब्वियसली मेरा कोई ना मुझे म्यूजिक का सेंस है ना मुझे पता है बट ऐसा लगता है मुझे कभी कभी एज अ जस्ट कंज्यूमर एक एक मैं चाहता हूँ एक वर्ड ऑफ एडवाइस आई थिंक उसको मैं ये दे सकता हूँ कि सो so, यशराज के लिसनर्स भी आई थिंक उससे एक्सपेक्ट करने लग गए कि अब वे कि ये यशराज है डोंट बी दैट ऑलवेज ऑलवेज फकिंग की पीपल ऑन द टोज दिस फॉर द न्यूअर पीपल मैं तो मैं तो बीच में ये किया ये ना फूल किया फिर जुगनू कर दिया भाई दिस इज़ वेरी अनलाइक बादशाह फिर सनक कर दिया फिर फिर, फिर वापस वहाँ पर आ गए सो so, ये ऑलवेज कीप दम गेसिंग मतलब ऑलवेज कि क्या करेगा फिर बीच में बीच में वो भी दे दिया जो उनको चाहिए ये ज़रूर लाइक आर्ट हैज़ टू बी अ लिटिल प्रोवोकेटिव थोड़ा सा सेफ्टी से ऊपर खेलना पड़ता है फिर मज़ा आ जाता है उसमें बोरिंग नहीं लगता यू फील कि एक इंडस्ट्री में हिप हॉप इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है बहुत गलत हो रही है और नए लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए uh, देखा दिखाई मतलब मतलब कि इसने ये कर दिया मैं भी करता कर हूँ ये गलत है ये तो किसी भी इंडस्ट्री में गलत है और uh, this, this की

Blueprint. Blueprint is one. For uh, but Abhi, I am with TM M Ventures. Uh, That is a large, like very large. No, so we are starting a, a T M Indie for new, mm. new artist. बहुत ही सही artist है. Them बहुत ही सही रहेंगे वो. मतलब मैं बहुत excited हूँ. Because see अब यहाँ पे दोनों चीज़ों की एक्सपर्टीज मिल रही है तो क्या हार्ड सेल कर रहा हूँ <laughs> बट <laughs> मैं जेनरली बता रहा हूँ लाइक यू नो यू सो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से इस विंग में आ जाओगे एंड देन ऑफकोर्स वी आर स्टार्टिंग आर ओन ग्लोबल डिविजन बिकॉज सिंस आई एम गोइंग ग्लोबल सो थ्री सिक्सटी हो जाएगा ब्लू प्रिंट अच्छा काम कर रही है रिप्रजेंट अच्छा काम कर रही है yeah. आयुष्मान लि तीन ही हैं जो मेरे को लिखती हैं अभी तो आश्वान मैनेजस मी आल्सो ब्यूटीफुल या ग्रेट गाय आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज़ टू टू एंडोर्स टू एम्ब्रेस द फैक्ट दैट यू नो एवरी आर्टिस्ट नीड्स टू हैव अ ब्रांड ऑफ देयर ओन एज़ इन लाइक दे नीड टू बिकम दे नीड टू स्टैंड फॉर समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल अनूफ हम उम है स्टैंड हेयर सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं यू नो टू हैव योर ओन पर्सनैलिटी एंड नॉट टू रन आफ्टर हिट्स रन आफ्टर लिसनर्स यू नो बहुत डिफरेंस है सो लाइक यू क्रिएट योर लिसनर्स यू क्रिएट योर कम्युनिटी क्योंकि आज के टाइम में द इज नो हिट द इज नो फ्लॉप कोई गाना हिट नहीं है कोई फ्लॉप नहीं है मेरे को अगर कोई गाना अच्छा लगता तो है मेरे लिए हिट है अच्छा आपको अगर कोई गाना अच्छा लगता तो है आपके लिए हिट है Hmm. इतनी इंडिविजुअलिटी individual, हो गई है और इतने लोग हो गए इतने लोग हो गए इतना म्यूज़िक हो गया है आपको ये अच्छा लगता है अच्छा लगता है hmm. वो यहाँ परफॉर्म कर रहा है आप जा रहे हो आपकी टिकट बिकनी चाहिए यू नो hmm. you know, किसी ने मुझे रिसेंटली एक बात बोली थी टेल मी इफ इट्स ट्रू और नो बोलता कि भाई 500 लोगों का कॉन्सर्ट भरना ना 500 सौ टिकटें बेचना कोई बड़ी बात नहीं है हर महीने हर शहर में बेचना बहुत बड़ी बात है तो hmm. हर आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि मैं मेरी कम्युनिटी ऐसी कैसे बना रहा हूँ कि मैं हर बार जब जाता हूँ ना तब लोग आते हैं और वो मुझे <coughs> बार बार सुनना चाहते हैं सो दैट इज़ वॉट बिल्डिंग योर ओन इंडिविजुअल ब्रांड इज़ की पीपल आर कमिंग फॉर बादशाह नॉट बिगेज कि दो गाने अच्छे चल गए हाँ हाँ मैं दो चीज़ें हैं इसमें कि मुझे लगता है एक भी टिकट बेचना बहुत बड़ी बात है <laughs> ऐसा नहीं है बड़ी बात नहीं है बट uh, ज़रूरी नहीं आप हर शहर में सुने आपको hmm. ज़रूरी नहीं है बट जो आपको सुन रहे हैं वो आपको सुनते रहने चाहिए ठीक है वो स्पिल ऑफ इफेक्ट बाद में हो सकता है ठीक है जैसे मतलब मुझे जो अभी हैदराबाद मैंने किया हैदराबाद अहमदाबाद बेंग वेस्ट बंगाल कोलकाता इन जगह मुझे बहुत प्यार मिलते हैं यहाँ से और मैं जब भी जा मतलब यू हैव टू स्टे रेलिवेंट ठीक है और वो ये ये अजीब वो है रेलिवेंट रहने के चक्कर में आप हरकतें मत करो आप, आप मन से काम करते रहोगे ना आप रेलिवेंट रहोगे यार सीधी सी चीज है बहुत सिंपल तो, है कोई रॉकेट साइंस है नहीं एक्चुअली बस मन से काम करो मन से अच्छा काम करो फॉर्मूला बना के काम मत करना प्लीज इस पे मेरा एक टेक है क्वेश्चन पूछ, 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 पूछ रहा हूँ फॉर्मूला बना के मत काम करो अब जैसे ए आ गया है खुद में डर लगता है कि ए खत्म कर देगा म्यूजिशियंस को नहीं क्यों मुझे अभी देखा नहीं एआई पे जैसे आपकी कोई स्टाइल पकड़ के आप कैसे गाना लिख सकता है आवाज ऑलमोस्ट अप डाउन हो सकती है म्यूजिक ऑलमोस्ट सेम बन सकता है डू यू थिंक अगर अभी बहुत फॉर्मेटिव है <laughs> पर थोड़ा अगर सीरियस हो गया ये तो <laughs> मैं सोच रहा हूँ पैसे कैसे <laughs> <laughs> होएगा लेकिन तो मैं हम जोक करते रहते हैं कि फिर आएगा कि फिर दिस इज है। ना हैंडमेड महंगा बिकता है फिर रहेगा नॉट ए आई ये बंदे ने जेनवन गाया है वो महंगा बिकेगा यू जो इनविटेबल है आप उसको रोक नहीं सकते हाउ टू क्रिएट अ नीश फॉर योरसेल्फ इन दैट यू हैव टू टेक इट हेड्स ऑन आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है आपको इस चीज़ से लड़ना नहीं है कुछ चीज़ें हैं जो बाढ़ की तरह आएंगी हुँ. आपको अपना जगह ढूंढनी है ए आ रहा है ठीक है होगा इन टिप लोग बादशाह की आवाज में गाने आएंगे किसी भी आवाज में गाने आएंगे उसको अपनी एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है वो मेथड डिवाइस करना है आप क्यों लड़ोगे इससे लड़ नहीं सकते नहीं लड़ सकते बिल्कुल भी नहीं आप इसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हो वो देखना है आपको वो फिगर आउट करना है आपको ये आपको इस चीज का मलाल नहीं रखना हमारे टाइम में ये होता था कभी ट्राई किया आपने यूज़ करना नहीं मैंने नहीं किया अभी तक

के लिए वैनिटी मैट्रिक्स वैनिटी मैट्रिक्स की भाई क्या, क्या लेचर <laughs> तो व्यूज नहीं व्यूज खरीदे नहीं होते दैट्स होतेटाइजमेंट uh, जितने भी बहत्तर पचहत्तर जो भी लाख रुपए थे वो हमने तीन एजेंसीज को दिए थे हमने एडवर्ट्स खरीदे थे एजेंडा दॉ टू मेक योर सॉन्ग विजिबल टू एज मेनी पीपल एज यू गुड एंड इन ऑर्डर ऑफ दैट अचीविंग अ सर्टन नंबर सो दैट यू नो फ्लेक्स करें बट दिम्पल हमें हमने अपना सॉन्ग एडवर्टाइज करना था ग्लोबल ऑडियंस को क्योंकि हमें लगा वी है ग्लोबल सॉन्ग विच विल है ग्लोबल अपील उसी टाइम पे मी हे ब्रेक हुआ था तो हमें लगा कि म्यूजिक है तो हम जरूरी नहीं है कि हिंदी है तो चलेगा नहीं तो एंड पागल इज अज इट इन ब्राजील बाय द वेट ऑफ पीपल नो मी इन ब्राजील बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग बट सो दैट वॉज माई विजन कि पूरे वर्ल्ड यू नो लेट्स 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 सर्व इट टू द वर्ल्ड जितना पैसा लगेगा लगा देंगे ज्यादा ही आगे थे और वो एडवर्ड्स खरीदे थे हमने वी वी बॉट एड्स फ्रॉम गूगल तीन कंपनीज थी जो यूट्यूब रिकोगनाइज थी और उसकी इनवाइस जनरेट हुई थी बाकायदा जी के साथ हमारी जनता कुछ बहुत ही प्यारी फेक व्यूज मुझे नहीं पता आज तक कि फेक व्यूज होते, होते क्या है। मुझे नहीं पता क्या है फेक व्यूज इट्स लाइक व्हाट फोन यू यूज आईफोन आईफोन आप एयरपोर्ट पे जाते हो आपको आईफोन की एड दिखती है ना कंपनी आईफोन तीन ट्रिलियन की कंपनी आईफोन अनएथिकल कंपनी आईफोन ऐड कर रही है कि भाई उनको जरूरत नहीं है कि जिनके पास नहीं है शायद वो भी खरीद लें hmm. आपको दिखा रही है मतलब अगर कोई न्यूज़पेपर में Uh, कैमरे की एड लगा रहे हैं तो कंपनी बेकार हो गई हमने अपने गाने की एड लगाई कि हम हम हैं भाई हम इंडिया से हम ऐसे गाने भी बना रहे हैं आप भी सुन लो बट yeah. ये सब मतलब मुझे बाद में पता चले कि प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं hmm. मेरे अगेंस्ट <laughs> तो आई वाज लाइक ठीक है यार ah. उस उस टाइम मुझे पता चला इतना फर्क पड़ रहा है लोगों को एक लोंडे से जो पीतमपुरा से आ रहा है बट यार एडवरटाइजमेंट नो प्रम होनी भी नहीं चाहिए और इट्स आर्ट पर इतना भरोसा है वो अपने पैसे कॉम्प्रोमाइज करके वो कोशिश कर रहा है कि मैं और लोगों तक पहुंचा लेबल लेबल तो और बाहर लेबल के एडवर्टाइजमेंट बजट पता है कितने कितने होते हैं आपको क्या लगता है कि टेलर स्विफ्ट एडवर्टाइज नहीं करती खाना मतलब सबको पता है बट आई डों कैंड्रिकलेमार hmm. गाना लगा निकालते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स हैंड्स डाउन उनके कैंपेन सोशल मीडिया कैंपेन के लिए इंडिया में इंफ्लुस को कॉन्टैक्ट किया जाता है इट्स मतलब बट yeah. एवरीथिंग मतलब जब मुझे लगता है कि टाइम है अभी सबको नीड स्केट ये बकवास बकवास फाइन इट्स आई एम टेलिंग सर्कल चाहिए एक hmm. सर्कल है जो हमें लिव करना पड़ेगा फाइन बट आई डी से लॉग इन करते जाएंगे वो कम, आते जाते हैं। और उससे होगा क्या नंबर बढ़ जाएगा बस नंबर बढ़ जाता है देखेंगे नहीं लोग सो दैट इज बॉट व्यूज बड़ा मन थाबाद

एंड uh, मुझे याद है प्रोमोटर मेरे कान में आके बैठा मैं बहुत तंग था वही सबकी ले रहा था कि लाइट का रिजल्ट प्रमोटर प्रोमोटर मेरे कान में बोलता सर वी सोल्ड आउट थैंक यू मच और मुझे याद है जब वो शो हुआ नेक्स्ट डे शो था शाम को थर्टी थ्री थाउजेंड पीपल मैं ग्रीन रूम में गया चेंज किया और हाइड्रोलिक्स से मेरे को ऊपर आना था स्टेज hmm. पे ठीक है मैं हाइड्रोलिक्स पे हूं आई डोंट नो हाउ थर्टी थ्री थाउजेंड पीपल साउंड लाइक आई डोंट नो मैं हाइड्रोलिक्स पे स्टेज में बैठा हूं इंट्रो चल चला मेरा शो का तो जैसे इंट्रो चला और जो तैतीस हजार लोग इकट्ठे हो, हाइड्रोलिक ऑपरेट करने वाला सामने बैठा था मैं चश्मे पहने हुए थे मेरे चश्मे के नीचे से आंसू मैं फाक ये क्या कर दिया मैंने

यार, गलत कर रहे हो आप ये जबरदस्ती ड्रीम्स देख जा रहे हो हमें फालतू के क्यों नहीं जो हमारे नहीं है क्यों नहीं उसको जा रहे हो क्यों नहीं क्यों नहीं आ, क्यों नहीं प्रॉब्लम ये है क्या कर रहे हो आप जिंदगी में यही तो करना है ट्रू सी आप अगर आप ठीक है अगर आपको शादी करनी है मैं मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टू तो बिकम लाइक माई डैट बिकॉज इज अ फैमिली मैन जो वो करते हैं मैं कभी नहीं कर पाऊंगा बट इफ आई हैव टू डू दिस और मैं सब कुछ छोड़ ही चुका हूं तो मैं हूं अगर मैं नहीं कर रहा आई हैव मेरे को एक गिफ्ट मिला है भगवान की तरफ से राइट एंड इफ आई डू नॉट ऑनर दैट गिफ्ट एंड इफ आई डोंट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई एम डिसरिस्पेक्टिंग दैट गिफ्ट भगवान का गिफ्ट डिसरिस्पेक्ट कर आप डिस ज्यादा एक्सपेक्ट करता ही नहीं भगवान आपसे आप कह रहे हैं साले बीस तीस परसेंट ही बन जा तू क्योंकि वो भगवान है uh.

मजा ही कुछ और है मजा ही कुछ और है आप इंजॉय करो जितनी मटीरियलिस्टिक चीजें आप सारी इंजॉय करो वो बनी है इंजॉय करने के लिए बनी है उस उस वैनिटी का भी मजा लो hmm. मेरे मेरे साथ एक मैं इंस्टेंट बताता हूँ दो बारिशों का ही टाइम था दो साल हो गए पता नहीं तीन साल हो गए दो साल हो मैं गाड़ी चला रहा था <clears throat> बहुत लंबा खिंच गया बट मैं गाड़ी चला रहा था आ, चार साढ़े चार बजे की बात है यही टाइम था जुलाई का बारिश ही थी हैवी एक बहुत बुढ़ी आंटी आ, वो रोड नहीं है एवरशाइन एम्बेसी और वो सारी वहाँ पे वो जहाँ एक रोड है अंधेरी में मैं वहाँ जा रहा और एक बुढ़ी आंटी छाता लेके जा रही हाथ में उनके कुछ था ये पीछे बैक वाला आई थिंक मेरे को ज़्यादा पता हा, नहीं है वहां के बारे में और झुक के चल रही थी वो और मैं मैं कहीं तो जा रहा था स्टूडियो से आई थिंक घर जा रहा था और मैं उनको देख के निकल गया मेरे को आधे रास्ते में कुछ हुआ मैं वापस आया और मैंने शीशा नीचे किया बारिश हो रही थी छाता उन्होंने ले रखा था बहुत बुढ़िया आंटी मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो कहती हैं कहाँ जा रहे हो कहती मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं कहा इतनी बारिश में रिक्शा पर बैठ जाओ कहती मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ

मैं यार मैं और मेरी रेस्टलेसनेस मैं क्या कहाँ से है कहती मैं हरियाणा से मैं क्या मैं भी हरियाणा से हूँ मैं क्या हरियाणा में कहाँ से मैं क्या मैं, कहासे, मैं नीलो खेड़ी पता है नहीं मैं क्या करनाल से हूँ कहती करनाल में कहाँ से मैं क्या नीलो खेड़ी और ये सब धीरे धीरे चला रहा हूँ आंटी भी चल रही है बारिश भी पड़ रही है मैं कह कि नीलो खेड़ी है कहती नीलो खेड़ी में तो मेरे मामे रहते हैं फिर थोड़ा सा उनका वो बना विश्वास बना फिर मैंने कहा आज बैठ जा छोड़ देता हूँ कहती यहाँ मंदिर वाली रोड है बस वहाँ तक छोड़ दे वहाँ से मैं चली जाऊँगी वो बैठे हम फिर बात करने लग गए कि क्या 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 बात करते करते पता नहीं मंदिर वाली रोड कहाँ चलेगी आगे निकल आए ज़्यादा देर नहीं पाँच मिनट हुई फिर एकदम से मेरे को याद आया कि आ, आंटी मेरे को तो पता नहीं बॉम्बे का मंदिर वाली रोड का कहती घुमा ले चल मेरे को यहीं छोड़ दे मैं कह नहीं मैं घुमा लेता हूँ घुमाया वो माया मैंने फिर एक जगह पे मैंने छोड़ दिया मुझे लगा ये रोड होगी फिर आंटी ने पूछा हाँ मंदिर है कहती हाँ उधर है जाके मंदिर मैं क्या जा कहाँ रही आंटी तू कहती मेरा जो आदमी है ना कंस्ट्रक्शन में काम करता है उसका एक्सरे दिखाना है मैं चार बजे कौन देखता है एक्सरे एक्सरेक्सरे कहती नहीं फिर साब लोग चले जाते हैं वो शिफ्ट चेंज हो जाती है मैं क्या अच्छा मैं क्या फ़ोन मैं क्या ये पैसे ले जा दस रुपये ही दस रुपये ले जा रिक्शा में चले जाइए उसने रख लिए मैं क्या मेरे को नंबर दे दे, दे अपना फ़ोन फोन, फोन कहती मेरे पास फ़ोन तो है नहीं मैं क्या मैं आई वॉन्ट टू हेल्प हर सो बैडली मैं क्या बहन चुप इत इत मेरे पास इतना कुछ और मैं तो हेल्प नहीं कर पा रहा एनी anyway, वे वो चली गई मैं घर आया पापा जल्दी उठ जाते हैं मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन पापा के उठने की मैं कहा पापा को फ़ोन किया मैंने कहा पापा आ ऐसे ऐसे सीन हुआ तो, तो कहते कितने बजे हुआ था चार बजे कहते पैसे थे तेरे पास मैं कहा नहीं दस रुपए थे कहते दे दिए ना कहते हम मैंने कहा दे दिए कहते लेगी ना कह लेगी कहते बेटे हो सकता कोई फरिश्ता भी हो कोई दस रुपये चार बजे तेरे से क्यों लेके जाएगा मेरी कट <laughs> गई हो भी सकता है कहते चल जो तेरे पास था तूने दे दिया ना मैं मैंने दे दिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग बैड फॉर माइसेल मैंने पापा से शेयर किया मैं उसकी हेल्प करना चाहता था और फोन भी नहीं था कहते तू टेंशन फ्री हो तूने जो करना था तूने कर दिया फिर उसके बाद से तो मैं ऐसा हुआ जो मेरे पास

मेरी कोर सिक्योरिटी वो है आगे से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनको मेरी सिक्योरिटी ब्रीफ करती है कि आपकी कितनी सिक्योरिटी है मेरी कोर सिक्योरिटी में दो बंदे हैं ओके जो बाकी और मेरी सिक्योरिटी वाले पूरी इंडिया की सिक्योरिटी को जानते हैं बिकॉज इनका नॉर्मली में तालमेल रहता है yeah. जैसे पता है हैदराबाद जाना है तो उनको बता देते हैं आप इनसे सिक्योरिटी ले लो hmm. आ, मेरे साथ मेरा बैंड ट्रैवल करता है मेरी मैनेजमेंट से दो लोग होते हैं मेरे को सिंगर्स ट्रैवल करते हैं जहाँ फर्स्ट क्लास जाती है वहाँ फर्स्ट क्लास में जाते हैं जहाँ बिजनेस जाती है वहाँ बिजनेस में जाते हैं जहाँ इकोनॉमी जाती है वहाँ इकोनॉमी में जाते हैं और जहाँ प्राइवेट जाते हैं वहाँ प्राइवेट में जाते हैं uh, मुझे टाइट स्पेसिस में थोड़ा सा इंगजाइटी होती है तो जो सबसे बड़ा स्वीट हो होटल का वो चाहिए मुझे uh, और जिम होना चाहिए वहाँ पर क्योंकि फिटनेस है मेरे पर्सनल ट्रेनर साथ में होते हैं मुझे चॉकलेट फेबेल करके एक चॉकलेट है आई की

मेरे को एस क्लास अच्छी लगती है तो एस क्लास चाहिए वो भी 2016 के बाद का मॉडल तो उसी cool. में ट्रैवल करूँगा कंफर्टेबल है, है। ट्रैवल अगर लंबा ट्रैवल हो तो इनोवा में गाड़ी वो चाहिए लेकिन ट्रैवल इनोवा में करता हूँ अच्छा <laughs> जहाँ भी डेढ़ दो घंटे चलना हो तो इनोवा नींद इनोवा में ही आती है या yeah. बल यही है एक बात रह गई बस वो लास्ट कर देती प्लीज़ प्लीज लास्ट रह गई कि आपने क्रिक पे में इन्वेस्ट किया अश्नीर ग्रोवर जी के साथ अश्नीर ग्रोवर से मिले तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम आप मिले क्या था बहुत सही जैसा सोचा था वैसे ही था क्या सोचा था स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट नो बुलशिट ऐसा ही है वो मुझे याद है आ, एक दो ही एक ही मीटिंग हुई है जो हमारी मेन चंडीगढ़ में क्योंकि टेक टीम आई थिंक उसकी चंडीगढ़ में बैठती है मैं भी चंडीगढ़ में था एंड हम हयात में मिले थे मुझे याद है हम बैठे एंड दैट वॉज बिफोर वी आई इन्वेस्टेड मैं मिला उससे ही नोज थिंग्स लाइक द बैक ऑफ इज हैंड इज वेरी वेल वर्स्ड विद धंधे वाला आदमी वाला जैसे वो क्लेम करते वो वही है लाइक ब्रांड व्रैंड सब अपनी जगह है डे वन इतना लगा रहा हूँ तो मिलेगा कितना धंधा hmm. यही है विध दैट एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि हम थोड़े विम्सिकल होते हैं ना कि ब्रांड है ये है बट बेसिक तो धंधा ही है सो आई लर्न इट वॉज थर्टी फोर्टी मिनट्स मीटिंग वो मेरे मैंने मैं मिला था उनको असेस करने के लिए आई थिंक वो मुझे मिले थे मुझे असेस करने के लिए कि डू आई वॉन्ट हिम एज एंड आई टोल्ड हिम आई लाइक यू बट ऐसे कभी सोचा कि यार मे बी इतनी सारी चीज़ें चल रही है उनके आसपास उनके अराउंड उनके ऊपर तो कभी डर लगा कि यार मैं इस पर इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ ये सब इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं बट जैसे अब अगर मैं आपसे आज मिल लिया एक एक बिलीफ स्टैब्लिश हो गया एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया हाँ ये तो

कोई भी बिजनेस स्मूथली नहीं चलता है इट हैज इट्स अप्स एंड डाउनस कोई भी बिजनेस हो तो आप बंदे पे पैसा लगाते हो ब्यूटी इज दिस इज कॉमन सेंस या बट यू नो वी डोंट थिंक अबाउट इट आप ज़्यादा आप... सोचने लग जाते हो या यू जस्ट हैव टू बी तो कई बार मतलब मैं मैथ्स क्लास में मैं ट्यूशन लेता था मैथ्स की मैं मैथ्स hmm. पर बहुत ही सही था सही थे अल्टीमेट मैं उल्म... नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ क्या बात कर रहे हो मैंने जब कैट दिया था मेरे डीआई में 98.25 परसेंटाइल था बिना पढ़े वो कोई मेरा स्कोर निकाल रहे ले देख लेगा मैं बहुत शार्प था मैथ्स में क्योंकि मुझे मैथ्स से प्यार था मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग से बहुत प्यार है नाइस तो ना मैथ इज अबाउट बेसिक्स मैं एक स्टोरी भी है मेरी बहुत फेमस कि मैं सेंट स्टीफन में इंटरव्यू था एडमिशन का तो मैं पापा के साथ बैठा था Uh, मैं सपने में ही सोच सकता था मुझे कॉल आएगा सेंट स्टीफन से एडमिशन इन, के लिए तो उसमें आ गया मैं मैं बैठा था एक लड़की बाहर निकली रोते हुए मैंने पापा को बोला पापा मैं यूँ गया और यूँ आया क्योंकि मैं एक्साइटेड था कि अंसल प्लाजा शॉपिंग करनी है उसके बाद ये इंटरव्यू तो होएगा नहीं <laughs> तो मैं अंदर गया वहाँ तीन तीन बंदे बैठे थे मुझे याद है इससे भी छोटा बहुत छोटा रूम था uh, बैठे थे पूछे ब्ला 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 क्या है कौन सा स्कूल है मैंने कहा बाल भारती अरे डॉक्टर एसी बवेज प्रिंसिपल में हाँ इज अ वो है अपने क्लास स्कूल मेट है मतलब बैचमेट है मैं कहा गुड मैं कहा गे गेट डन विद दिस क्विकली <laughs> मुझे पता मेरा नहीं हो रहा मुझे जानना है तो कहते कि बताओ इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम की कितनी सीट्स हैं मैं नहीं पता राज्यसभा राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं घंटा लोकसभा कुछ नहीं पता इलेक्शन कमिश्नर कौन है नहीं पता नहीं पता कहते अच्छा मार्, वो मार्क वो मार्कशीट खोल रही मेरी कहता तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मैं क्या मैथ्स तो दोनों तीनों एक दूसरे को देख रहे कि ऐसे देख रहे जैसे बकरा फंस गया हो कि इससे पूछते हैं क्वेश्चन अच्छा मैथ्स कहते तो मार्क्स तो इतने कम है मैं क्या सर मेरे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है मैथ्स में बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है मैं क्या पेपर तो चलो आई वॉज नॉट वेल एक्चुअली उस टाइम पे तुम तो नहीं हुआ मेरा तो कहते अच्छा वॉट इज पाए पाए पूछते हैं तो उनकी फट गई कहते अच्छा तो फिर कहते कि अगर आपको एक सर्कल का एरिया पता हो तो आप उस एरिया जितना उस सेम एरिया का स्क्वा सक, बना सकते हो मैं क्या नहीं क्योंकि सर्कल का एरिया डिपेंड्स ऑन पाई विच इज़ नॉन टर्मिनेबल तो हमें एग्जैक्ट एरिया पता ही नहीं होगा और तो उसका स्क्वायर कैसे बना सकते हैं उनकी कहते भाई कौन आया तो <laughs> 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 कहते मैं कहते यार हम तुम्हें लेना चाहते हैं में बट यू नो यू कन्विंस नहीं हो रहे मैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आई वेन यू हैव नथिंग टू लूज ना यू गो रॉकी भाई के जी एफ मैं उठा मैंने हाथ मिलाया मैं क्या सर आई वॉज बॉर्न इन सेंट स्टीफ हॉस्पिटल आई वॉज बॉर्न टू बी स्टिफेनियन और मैं चला गया अंसल प्लाजा गया मुझे आज भी याद है मैंने एडास की टी शर्ट खरीदी सिंथेटिक की रेड और वाइट कलर की याद है मुझे मेरा हो गया एडमिशन आई स्वेयर ऑन माई वर्क यू विल नॉट बिलीव चार साल बाद मेरी बहन को कॉल आया सेंट स्टीफन से फॉर इंटरव्यू शी वॉज आज द सेम क्वेश्चन वॉट इज पाए शी गॉट उसका सिलेक्शन हो गया था सेंट स्टीफन में से. wow. हम दोनों ने सेंट स्टीफन छोड़ा आई वेंट टू पैक

और उनसे समझने की कोशिश करें कि इंडिया में एक बड़ा लीडर कैसे बनते हैं अपनी फील्ड में कोई भी फील्ड हो चलेगा बट अपनी फील्ड में कैसे स्टैंड आउट करते हैं प्लीज कमेंट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट विथ एटलीस्ट वन पर्सन किसी एक इंसान के साथ शेयर करो क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन न जाने कितने आइडियाज देती है एंड उन सारे आइडियाज में से किसी एक आइडिया पे भी लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया देन उनका इंडियन ड्रीम अचीव करना बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा एंड दैट इज अ चेंज यू एंड आई वांट टू सी इन दिस कंट्री थैंक यू सो मच अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट